हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के नए स्टेटस अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जब से ये नया अपडेट आया है तब से कई लोगों को ये अपडेट बहुत ज्यादा पसंद भी आया है और कई लोगों को ये पसंद नहीं भी आया है। मगर दोस्तों, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो अपडेट है ये ऑफिशियली व्हाट्सएप के तरफ से ही है। अब हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। मगर दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिसकी मदद से अब आप आपके स्टेटस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। देखिए दोस्तों, हम स्टेटस इसलिए लिखते हैं कि जो भी हमारी दिल की बात होती है वो हम बिना कहे किसी और को कह सके। और इस वीडियो में मैं आपको जो टिप्स देने वाला हूं जिसकी मदद से आपके जो स्टेटस होता है, जो आपकी दिल की बात होती है, वो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। तो चलिए, मैं आपका बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सीधा आपको मैं वीडियो स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं और एक बात आपको मैं बता दूं कि अभी तक आपने हमारा आईटेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि लाइक और कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं आईटेक। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो भी आप स्टेटस लिखने वाले हो उस स्टेटस की कैटेगरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप कोई लव मैसेज लिखते हो या फिर आप कोई शायरी लिखते हो तो उस स्टेटस की कैटेगरी हो जाएगी रोमांटिक। तो आपको चाहिएगा एक रोमांटिक वॉलपेपर। तो अब आप ये कहां से लाओगे? तो ऐसे रोमांटिक वॉलपेपर की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से आप रोमांटिक वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई फनी स्टेटस रखते हो तो फनी वॉलपेपर की भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप आपका स्टेटस उस पर रख दीजिए। अब ये कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए, मैं आपको थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप आपके WhatsApp पे चले जाइए। WhatsApp पे जाने के बाद चले जाइए स्टेटस पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने भी यहाँ पे कुछ स्टेटस बना के रखे हुए हैं। तो जो भी मैंने सैंपल बना के रखे हुए वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तीन डॉट पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन स्टेटस आ जाएंगे। तो ये जो मैंने 20 मिनट पहले बना के रखा हुआ है वही मैं पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस दिन अपनी किस्मत का सिक्का चलेगा उस दिन हेड्स भी अपना और टेल भी। तो दोस्तों, कहने का मतलब मेरा यही है कि जो भी आप स्टेटस लिखते हो, जो भी आप बनाते हो, तो उसी मुताबिक का ही आप बैकग्राउंड में वॉलपेपर रखिए, जिससे जो भी आप स्टेटस बनाते हो वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो चलिए, मैंने कुछ रोमांटिक भी बनाया है तो वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो रोमांटिक के अंदर ये रहा, 15 मिनट पहले ही बनाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, एक तो तेरी आवाज़ याद आएगी, तेरी कही हुई हर बात याद आएगी, दिन ढल जाएगा रात याद आएगी, हर लम्हा पहली मुलाकात याद आएगी। कहने का मतलब मैंने जो भी ये शायरी लिखी हुई उसी मुताबिक का मैंने बैकग्राउंड में वॉलपेपर भी रखा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा स्टेटस होता है वो और भी अच्छा दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस तरह के वॉलपेपर ऐड कर सकते हैं, किस तरह से आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही इजी है, तभी भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वॉलपेपर जो मैंने डाउनलोड करके रखे हुए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो कोई एक वॉलपेपर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी मैंने वॉलपेपर की मैंने पहले बात की है तो वो सारी वॉलपेपर की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ आ चुका है स्टेटस। थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ और यहाँ पे आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हालांकि मैंने आगे वाले वीडियो में भी बताया था। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा यही है कि जो भी आपका स्टेटस होता है उसी मुताबिक का आप वॉलपेपर भी सिलेक्ट कीजिए, जिससे आपका जो स्टेटस होता है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो आशा रखता हूं आपको आइडिया आ गई होगी दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के अपना ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर।